हेलो दोस्तों, मेरा नाम राजेश है और मैं आपके सामने फिर से एक नए टूल के साथ हाज़िर हूँ। तो मैं बेसिकली आपके लिए आज लेकर आया हूँ MTK मल्टी टूल्स कलेक्शन टूल, जो कि मैंने डाउनलोड किया है फर्मवेयर केयर वेबसाइट से। तो सबसे पहले आपको करना क्या है कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पे इस टूल का लिंक दिया है जो कि firmwarecare.com का है, वहाँ से आप ये टूल डाउनलोड कर लीजिए। तो जैसा आप देख सकते हैं कि मैंने टूल पहले से डाउनलोड करके रखा हुआ है, जो कि एक जिप फाइल है। तो जिप फाइल में सबसे पहले आपको करना क्या है, जिप फाइल के ऊपर जाइए और राइट क्लिक करिए एक्सट्रैक्ट हियर। तो जैसे आप देख सकते हैं कि जिप फाइल एक्सट्रैक्ट हो गया है, तो अब इसे खोलते हैं। यहाँ पे हमें खोलना है MTK मल्टी टूल्स कलेक्शन डॉट exe फाइल को, डबल क्लिक कर कर ओपन कर लीजिए। तो जैसे आप देख सकते हैं कि टूल हमारे कंप्यूटर में लॉन्च हो चुका है। तो इस टूल के अंदर क्या क्या है, तो सबसे पहले आपको पता चल ही गया होगा कि इस टूल में मल्टी टूल्स हैं, जो कि एक कलेक्शन है, मतलब कि यूज़फुल टूल्स का मीडिया टेक के लिए। तो इसमें है एंड्रॉयड मल्टी टूल्स, फ्लैश टूल वर्जन 5.1432, लॉग बिल्डर वर्जन 1.6, MTK टूल किट, ओप्पो नेटवर्क अनलॉक टूल, NCK एंड्रॉयड MTK, ओप्पो MTK नेटवर्क अनलॉकर, SN राइट टूल, SP फ्लैश टूल, टेक्नो फ्लैश टूल। और ये टूल बनाया गया है इजाज़ मोबाइल रिपेयरिंग के द्वारा। तो सबसे पहले एग्जांपल के लिए हम एंड्रॉयड मल्टी टूल्स को ओपन कर लेते हैं। तो इस पर क्लिक करिए, तो आप देख सकते हैं कि ये जिप फाइल में ओपन हुआ है ये टूल। और यहाँ से आप क्या नाम है कि इस टूल को ओपन कर सकते हैं। तो फोल्डर में गए और यहाँ पे हमने अगर यहाँ पे ओपन कर लिया इस फाइल को, तो आप देख सकते हैं कि टूल हमारे सामने खुल गया है। तो टूल के अंदर बहुत सारे फीचर्स हैं और आप इसकी मदद से बहुत कुछ कर सकते हैं। तो ऐसे ही अगर SP फ्लैश टूल ओपन करना है, तो हमें जस्ट क्लिक करना है SP फ्लैश टूल पे और जिप फाइल के अंदर SP फ्लैश टूल खुल जाएगा। तो यहाँ पे आपको लॉन्च करना है SP फ्लैश टूल। तो आप देख सकते हैं कि SP फ्लैश टूल हमारे कंप्यूटर में लॉन्च हो गया। तो इसी तरह आप सारे टूल्स ट्राई कर सकते हैं अपने कंप्यूटर में। तो इतने सारे टूल्स हैं, अगर आपको ये टूल यूज़फुल लग रहा है तो आप प्लीज़ डाउनलोड कर लीजिए अपने कंप्यूटर में और एक बार ट्राई करिएगा। तो आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।